नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेडिसिन रिव्यू एंड टिप्स यूट्यूब चैनल पर। आज हम एफ नेक्स्ट डस्टिंग पाउडर के बारे में पूरी जानकारी लेने वाले हैं। एफ नेक्स्ट डस्टिंग पाउडर का मुख्य उपयोग स्किन पर फंगल इन्फेक्शन होने की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है। आइए इस पाउडर के बारे में अधिक विस्तार से जानते हैं। यह पाउडर कैसे काम करता है, कहाँ इस्तेमाल होता है, इस पाउडर के क्या बेनिफिट्स है, क्या साइड इफेक्ट्स है, इस पाउडर से जुड़े सभी सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। इथेनेक्स फार्मा कंपनी का 75 ग्राम का यह पाउडर आपको 160 रुपये में किसी भी मेडिकल स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। बात करते हैं इस पाउडर में मौजूद कंटेंट के बारे में। एफ नेक्स्ट पाउडर में क्लोट्रामेजोल आईपी 1% और आइलेंटाइन आईपी 0.2% यह कंटेंट समाविष्ट है। इसमें मौजूद क्लोट्रामेजोल यह एक एंटी फंगल दवा है। यह फंगस के सेल मेम्ब्रेन को नष्ट करके कवक यानी कि फंगस के विकास को रोकता है और मारता है। और आइलेंटाइन यह एक त्वचा रक्षक यानी कि स्किन प्रोटेक्टेंट है, जो त्वचा को मॉइस्चराइज करता है और मामूली जलन से राहत देता है। बात करते हैं इस पाउडर के यूजेस की। डॉक्टर इसे किन किन समस्या में इस्तेमाल करते हैं। इसका उपयोग पसीने और नमी के कारण होने वाले फंगल इन्फेक्शन की समस्या दूर करने के लिए किया जाता है, और साथ ही अंतरंग शरीर के अंगों, अंडर आर्म्स, भीतरी जांघों, कमर और पैरों में दांत, खाज और खुजली होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही पीठ, गर्दन और कंधे पर होने वाली घमोरिया की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही लालिमा, चकते और सूजन के कारण त्वचा की जलन होने की समस्या दूर करने के लिए भी डॉक्टर इस पाउडर का इस्तेमाल करते हैं, और साथ ही यह पाउडर शरीर को सूखा और साफ रखकर फंगल इन्फेक्शन को रोकता है और खुजली और त्वचा की जलन जैसे फंगल इन्फेक्शन के लक्षणों से राहत देता है। बात करते हैं इस पाउडर से होने वाले साइड इफेक्ट की। यदि आपको इस पाउडर में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है तो आपको साइड इफेक्ट हो सकते हैं। यदि बताए गए साइड इफेक्ट महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। इस पाउडर से आपको इस्तेमाल वाली जगह पर रिएक्शन आना, यह साइड इफेक्ट हो सकते हैं। बात करते हैं यह पाउडर इस्तेमाल करने से पहले हमें क्या क्या सावधानियां लेनी चाहिए। यदि आपको इस पाउडर में मौजूद कंटेंट से एलर्जी है या फिर कोई साइड इफेक्ट महसूस होते हैं तो इस पाउडर का इस्तेमाल ना करें। यदि आप कोई और मेडिसिन ले रहे हो तो उसके बारे में डॉक्टर को जरूर इन्फॉर्म करें, ताकि आपको ओवरडोज या फिर ड्रग इंट्रैक्शन ना हो। यदि इस पाउडर का इस्तेमाल गर्भवती महिला या फिर स्तनपान करने वाली महिला को करना हो तो गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह जरूर लें, उसके बाद ही इस पाउडर का इस्तेमाल करें। इस पाउडर का इस्तेमाल सिर्फ बाहरी इस्तेमाल के लिए ही करें। बात करते हैं इस पाउडर के इस्तेमाल के सही तरीके के बारे में। आप अपनी समस्या और एज बताकर इस पाउडर का इस्तेमाल आप अपने डॉक्टर या फिर फार्मेसी से पूछ ले। याद रखें दोस्तों, हर रोगी और उनका मामला अलग हो सकता है, इसलिए रोगी की स्थिति, रोगी की आयु और अन्य कारणों के आधार पर इस पाउडर का इस्तेमाल करने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए इस पाउडर का इस्तेमाल डॉक्टर के सलाह के अनुसार करें। दोस्तों, पहले अपनी त्वचा को धोए और सुखाए और पाउडर को शरीर के प्रभावित क्षेत्र पर लागू करें और त्वचा पर हल्के से थपथपाए। और याद रखें कि यह पाउडर आपकी आंख या मुंह में ना जाए, और साथ ही अपने बच्चों को इस पाउडर का इस्तेमाल करना हो तो डॉक्टर की सलाह जरूर ले, उसके बाद ही इस पाउडर का इस्तेमाल करें। दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से हेल्पफुल इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें और मेडिसिन रिव्यू एंड टिप्स यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।